पिछले दिनों भारी बारिश के कारण पंती में आई आपदा के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार और निर्माण एजेंसी ब्रिडकुल के खिलाफ काफी गुस्सा था। इसको लेकर ग्रामीणों ने नारेबाजी भी की थी। ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ब्रिडकुल और ठेकेदार ने सड़क कटिंग का सारा मलबा पंती घाट में डाल दिया है, जिसके कारण भारी बारिश के बाद पंती घाट में आए दिन आपदा से काफी नुकसान हो रहा है। थराली से भाजपा विधायक भोपाल राम टमटा ने आपदा प्रभावित क्षेत्र पांती का दौरा कर आश्वासन दिया कि वे राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद कर देने के लिए तैयार हैं। विधायक टमटा ने निर्माण एजेंसी ब्रिडकुल को फटकार लगाया। साथ ही विधायक टमटा ने ग्रामीणों को यह भी आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की कृषि भूमि और आवासीय मकानों की सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग के माध्यम से खड्ड के किनारों को सुरक्षात्मक कार्य किया जाएगा। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। 26 तारीख की रात को यहाँ पर वज्रपात को या क्लाउड ब्रस्ट को एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पानी से और मिट्टी के साथ तीक्ष्ण ढाल वाला एरिया है और इतने बड़े कैचमेंट का जब यहाँ पर पानी आया होगा, मलबा आया होगा, तो निश्चित रूप से देखने में आ रहा कि दोनों तरफ, एक तरफ हमारा पावर हाउस है तो दूसरी तरफ हमारी बस्ती है और कहीं ना कहीं ये चलो संयोग है, ईश्वर का धन्यवाद है कि हमारे दोनों क्षेत्र में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मैंने आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया, मेरे साथ उप जिला अधिकारी थराली मौजूद थे, मेरे साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद थे, मेरे साथ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमारे ब्लॉक प्रमुख जी मेरे साथ थे, अन्य जितने भी सहयोगी हैं और हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग सारे आज यहाँ पर थे। और देखने में ये, क्योंकि मैंने कहा नहीं कि जो ये हंसकुटी वाली सड़क है यहाँ से जो ऊपर को रास्ता बनाता है तो कहीं ना कहीं तीक्ष्ण ढाल और लंबे कैचमेंट की वजह से जो एक पानी का एक साथ बहाव हुआ है उसकी वजह से इसमें बहुत बड़ी तादाद में मलबा आया है। मलबा के साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर आए हैं और वो ऐसे बोल्डर हैं कि जिनको हिलाना भी शायद संभव नहीं है। मैंने अभी बिल्कुल के अधिकारी यहाँ पर एरिया में आए हैं, उनके साथ मैं यहाँ पर, वो भी मेरे साथ थे, उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि यहाँ जितने भी ये हमारे पत्थर बड़े बड़े हैं इसको पुल से लेकर के और ये नीचे जो हमारे NH है यहाँ तक को इसको डीप है ना, इसको वो करते हुए और एक तरफ जो जहाँ बाएं पास में इनकी सड़क है उसको उधर को बॉर्डर लगा करके इसको कहीं ना कहीं चैनलाइज किया जाए।